पे ब्रेक लगा बाजीराव, तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। जब तेरा सामना सिर्फ विश्वासघात पुलिस वालों से हुआ है, जिस दिन तेरा सामना एक सच्चे पुलिस ऑफिसर से हो जाएगा ना, पैंट गीली हो जाएगी। उत्तराखंड की किन लोकेशंस में होगी शूटिंग, मसूरी की कौन कौन सी पहाड़ियों में दिखेंगे सिंघम, कश्मीर फाइल से क्या सबक मिला रोहित को। दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। द कश्मीर फाइल फिल्म को देशवासियों ने सिर आंखों पे बैठा लिया। कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता की कहानी देख सभी का दिल पसीज गया। इसकी शूटिंग उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के साथ साथ कश्मीर में भी हुई, उस जगह जहां पर 90 के दशक में अत्याचार हुआ, बर्बरता हुई। उस जमीन पर लोगों के साथ हुए दर्द को दिखाने के लिए विवेक अग्निहोत्री ने मसूरी, देहरादून और चकराता के आसपास की जगहों को चुना था, जहां की खूबसूरती आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। कश्मीर फाइल्स की 90% शूटिंग इन्हीं जगहों पर हुई है, लेकिन सवाल ये आता है कि सिंघम से कश्मीर फाइल्स का क्या वास्ता। तो भाई, वास्ता तो है, क्योंकि सिंघम भी तो कश्मीर जाने वाले हैं और सिंघम 3 की शूटिंग के लिए रोहित शेट्टी को लोकेशन सर्च करने की जरूरत अब नहीं लगती है, क्योंकि इन सभी लोकेशन को वापस से सिंघम 3 में दिखाया जाने वाला है, क्योंकि कश्मीर में शूट करना बहुत मुश्किल है। कश्मीर फाइल्स के टाइमिंग विवेक के खिलाफ फतवा जारी हो गया था और जैसी फिल्म की शूटिंग पूरी हुई, पूरी टीम बिना इधर उधर रुके सीधा कश्मीर से बाहर रवाना हो गई, और इसीलिए ऐसी परेशानी रोहित या टीम के साथ ना हो, इसलिए टीम ने कश्मीर से बाहरी शूटिंग करने की ठान ली है। फिल्म शूटिंग के लिए बॉलीवुड और टॉलीवुड इंडस्ट्री की पसंदीदा जगह बना उत्तराखंड इन दिनों खूब चर्चा में है। फिल्म में मसूरी की खूबसूरत लोकेशन तो है ही, साथ ही देहरादून, चकराता के आसपास की लोकेशन भी बड़े पर्दे पर दिख रही है। फिल्म में 100 से अधिक स्थानीय कलाकारों को भी काम करने का मौका मिल सकता है, जो कि कश्मीरी रोल में शानदार अभिनय करते हुए नजर आएंगे। भद्रास टेम्पल की पहाड़ियों पर भी फिल्म के कई सारे सीन देखे जा सकते हैं। इसके अलावा रजौली का इलाका भी फिल्म में देखने को मिल सकता है। वैसे पहाड़ में कई खूबसूरत लोकेशन है जिन्हें बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया गया, तो देश दुनिया पहाड़ की खूबसूरत वादियों से वाकिफ हो पाएगी। विश्व भर में यहाँ के पहाड़ की सुंदरता देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या रोहित शेट्टी की सिंघम 3 कश्मीर फाइल्स की लोकेशन पर शूट होकर उतना ही फेमस हो सकती है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।